हाय गाइस, वेलकम बैक। सो जैसे कि आपने आज टाइटल से ही देख लिया होगा, आज मैं शेयर कर रही हूँ हॉल वीडियो। ये जो हॉल है, दीज आर गोइंग टू बी दी स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड कुछ मैंने सैनिटाइजर्स वगैरह परचेस किया है फ्रॉम purple.com। एंड इन सभी जो भी आज मैं प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी, इनके लिंक्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये सारे स्किन केयर एंड वटएवर जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो आप परचेस कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। सो दे आर डिलीवरिंग नाउ, सो यू कैन चेक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो I'll show you the box. Here is the package or box, whatever. तो कुछ products मैंने खोल लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, and कुछ products जो हैं मुझे आपके सामने खोलने का मन है, unboxing मैं आपके साथ करूँगी। तो a lot of products I have purchased and सुपर डुपर एक्साइटेड आपके साथ शेयर करने के लिए। बट दिस इज़ आई थिंक मैंने एक हॉल वीडियो काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था एंड काफ़ी टाइम बाद मैं एक और हॉल वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा हॉल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ, लेकर आऊँ आपके लिए रिगार्डिंग दी सूट वगैरह वगैरह चीज़ें एंड ऑल दी स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स हॉल। सो लेट मी नो, कॉमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ, विच इज़ दिस वाओ का फेस वॉश मैंने परचेस किया है। एंड दिस वन इज़ दी, इसकी हालत देखो कैसे हो गई, थोड़ा सा गिर गया था। दिस वन इज़ एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश है। डीप क्लेंस कर देता है, कंट्रोल करता है ब्लैक हेड्स को, एंड मेरे ब्लैक हेड्स बहुत हो रहे हैं नाक में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये फेस वॉश परचेस करके दिखूँ। वेल, मैंने यहाँ पर एक और फेस वॉश परचेस किया है, वो मैं आपको दिखाऊँगी, बट This is the first product which I have purchased. एंड काफ़ी सुना है मैंने इसके बारे में कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो यहाँ पर मैंने दो और प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं, ये दो, ये हैं दोनों ही एल्ब्स गुडनेस के हैं। सो वन इज फॉर हेयर एंड दिस वन इज फॉर द फेस। ये है नीम पाउडर, एंड एज यू गाइज नो कि मेरे बहुत से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, सो आई हैव परचेस दिस वन उपतान का। एंड नीम पाउडर इज़ बेसिकली फॉर माई हेयर, क्योंकि मैं इस तरह के पाउडर्स अप्लाई करती हूँ, वो मैं आपको डेमो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरी वीडियो में। इसे मैं हमेशा कर्ड या गर्म पानी के साथ मिक्स करके मैं अपने सर पे अप्लाई करती हूँ। अगर आपको जुए की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो काफ़ी सिल्की स्मूथ बाल हो जाते हैं, घने हो जाते हैं बाल, सो दैट्स वाई येस आई परचेज दिस प्रोडक्ट। सो उपतान इज़ रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है। तो स्पेशली मैं कहूँगी एज इट्स मैंशन या एज डिफाइन के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी 30 तक उम्र हो गई है, अबव 30 आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बिलो 30 आई वॉन्ट सजेस्ट, बट येस अबव 30 यू कैन डू दिस वन। वेल, आई एम नॉट अबव 30, बट आई ऑर्डर दिस फॉर माई मॉम, फॉर माई भाभी, सो येस। ओके, नेक्स्ट है ये रहे प्रोडक्ट्स, फिर मैं इसे खोल लेती हूँ। चाकू कहाँ गया? तो मैं यहाँ पे चाकू भी है मेरे पास खोलने के लिए। जस्ट गोइंग टू ओपन दिस। हेयर इज द सब्जी वाले को अलाउ कर दिया आने के लिए। ओके, तो दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं मेरे पास। ये है अगेन एल्ब्स गुडनेस के हैं, टी ट्री क्लियर स्किन फेशियल किट। टी ट्री ऑब्वियसली, आई एम ऑयली स्किन, तो मैंने ये परचेस किया है। देन आई हैव अगेन दिस गुड वाइब्स का, ये मैंने आपको मेरी पहली भी वीडियो में दिखाया है अबाउट दीज फेशियल किट्स। सो आई लव दिस वन, दिस इज़ द पर्ल वाला, स्किन इल्यूमिनेटिंग वाला है, तो मैंने ये परचेस किया है। लेट्स सी क्या है इसमें, दो प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये है डर्माडॉक एंड दिस वन इज द व्यायाम आयुर्वेदा का लॉन्ग लाइटनिंग फेस मिस्ट कॉन्कॉक्टेड विद क्लोव एंड विटामिन, ठीक है। क्लोव वाला लिया है मैंने इस बार, लेट्स ट्राई द क्लोव वन। व्यायाम आयुर्वेदा के मैंने सारे ही फेस मिस्ट ट्राई कर लिए हैं, ये बचा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका भी ट्राई करके देखूँ। अच्छा, डर्माडॉक का मैंने लिया है, ये है स्किन ब्राइटनिंग फेस टोनर विथ विटामिन सी। अगैन दिस इज फॉर दी ऑयली स्किन, तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सारे ही ऑयली स्किन के लिए हैं। ड्राई स्किन वाले मेरे घर में इतने कोई है नहीं, तो इसीलिए
बट ठीक है, आई विल शेयर दैट ना क्या था 7 days चैलेंज ड्राई स्किन के लिए, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, ये खुला हुआ है. सो दिस इज द एल्प्स गुडनेस ग्रीन टी टोना. तो ग्रीन टी टोना मुझे बहुत पसंद है फॉर माई स्किन. ओके, सो द अदर टू प्रोडक्ट्स आर अगेन डर्माडॉक के लिए है. मैंने ये है एंटी एक्ने फेस वॉश विद सैलिसिलिक एसिड एंड डर्माडॉक अगेन जेंटल क्लेंजर है ये. ये भी विद सेटल एल्कोहल एंड स्टेरल एल्कोहल है, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं ऑयली स्किन के लिए. ओके, सो नाउ आई हैव दीज टू सिरम्स ओवर हियर. डर्माडॉक का है और एक एनवाई स्किन फिडेंट है. डर्माडॉक का ये मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था. दिस वन इज द डार्क स्पॉट रिडक्शन वाला, और एनवाई बेस कॉन्फिडेंस ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी. आई विल शेयर द रिव्यू एज वेल. तो ये है कोलेजन विद कोलेजन एंड पोटेटो स्टार्च वाला फेस सीरम है. नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे, दीज आर दी न्यू लॉन्च्ड एनवाई बे के स्किन फिडेंट फेस शीट मास्क. तो यहाँ पे मैंने 4 शीट मास्क परचेस किए हैं. सो वन इज द वॉल्केनिक एश, द अदर वन इज एलोवेरा, रियली गुड फॉर ऑयली स्किन. थर्ड इज एग वाइट एंड लेमन, अगेन गुड फॉर ऑयली स्किन. एंड ये है वाइट ट्रूफल. इन चारों में से मुझे दो चीज नए लगे हैं विच आई हैवन ट्राइड इट येट, वो है ये वॉल्केनिक एश एंड द वाइट ट्रूफल. सो ये दोनों शीट मास्क में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी एंड विल शेयर द रिव्यू एज वेल कि कैसे हैं. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ये है पर्पल के लिप बाम, चाइल्डहुड बेस्टीज बटरस्कॉच 3. खोल के देखो जरा कैसा है. ओ वाओ, पैकेजिंग देखो यार, कितनी अच्छी पैकेजिंग है इसकी. आई लव इट. ये मुझे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट जैसा लग रहा है. आई मीन द पैकेजिंग एंड इट स्मेल्स सो गुड, डिलिशियस. ओके, देन नेक्स्ट है एनवाई बे लिप पाउटिंग ऑन ब्रॉडवे लिप बाम. अगेन दीज आर न्यू लॉन्च्ड. ये कुछ इस तरह से है स्मॉल कंटेनर में एंड इट्स सो पॉकेट फ्रेंडली. वाओ, इट्स ट्रांसपेरेंट लिप बाम, सो इट डजंट हैव एनी स्मेल. तो जिन्हें लिप बाम पसंद है, जिसको जिनको इतनी स्मेल नहीं पसंद है, लाइक स्मेल फ्री वाले लिप बाम आपको पसंद है, तो आप ये वाला लीजिए. आई थिंक इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं है. ये तो वैसे भी लिप पाउट करेगा, इसमें लिखा हुआ है ना लिप पाउटिंग ऑन ब्रॉडवे लिप बाम, सो इट विल गिव यू अ पाउट इफेक्ट. वो तो मैं ट्राई करके पता करूंगी. ओ दीज आर द स्क्रब्स. ओ एक गिर गया एक, गुड वाइब्स के. देखिए दिस वन इज द लाइम एंड बेसिल डीप क्लेंजिंग स्क्रब, ग्रेपफ्रूट क्लेंजिंग स्क्रब, और यहाँ पे है एक एवोकाडो स्क्रब. थर्ड इज द एलोवेरा जेल एंड टी ट्री जेल. तो वेल ये सारे ही ऑयली स्किन के लिए हैं वाला. नेक्स्ट है यहाँ पे ये ऑलिव ऑयल. तो यस, मुझे ऑलिव ऑयल चाहिए था तो मैंने ये छोटा सा बॉटल परचेस किया है. दिस वन इज द कैरियर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, कैसे फेंक रही हूँ मैं. आप करते हैं ऐसा कभी कोई प्रोडक्ट आता था इतनी जोर से फेंकते हो गया, मैं तो इतनी जोर से फेंक देती हूँ, कई बार टूट ही जाते नए प्रोडक्ट्स. अगेन गुड वाइब्स, डीप सी मट पाउडर. दिस वन इज आर्गन सॉफ्टनिंग फेस जेल एंड माई फेवरेट ब्राजीलियन वॉल्केनिक ब्लैक क्ले. ये डिटॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा है, ये मैंने ट्राई किया हुआ है तो इससे मैंने फिर से परचेस किया. डीप सी मट पाउडर मैंने ट्राई नहीं किया कभी, सो आई एम गोना ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड आर्गन सॉफ्टनिंग फेस जेल भी आई हैव नो आइडिया कैसा होगा, एज इट इंक्लूड्स आर्गन, सो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा ग्लो देता होगा ये.
Okay, so now I have next product. So this is the Good Vibes Aloe Vera Hand Wash. Obviously, for coronavirus se bachne ke liye, hand wash is the must. So aloe vera is really good, and I don't know kaisa hoga, but we'll give this a try. नेक्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे अगेन देर इज वन मोर हेयर सीरम. ओके वन मोर नहीं है, ये हेयर सीरम है. एन वाई बे स्किनफिडेंट फ्लिपिंग एट पार्क एवेन्यू. मैंने ये परचेस किया है. दिस इज द हेयर सीरम विद बायोटीन. नो आइडिया कि कैसा होगा. विल गिव दिस अ ट्राई. एंड इट सेज कि ये ग्रोथ को थिकर कर देता है, फ्रिज बालों को कंट्रोल करता है. एज आई हैव फ्रिजी हेयर, बहुत ज़्यादा मेरे फ्रिजी बाल हैं, तो उसको थोड़ा सा सिल्की स्मूथ शाइन देने के लिए ये सीरम मैंने परचेस किया है. ऑल्सो इसमें एसेंशियल ऑयल भी है, तो चलो देखते हैं कैसा होता है ये. नेक्स्ट है यहाँ पे, दिस इज गुड वाइब्स का अगेन टी ट्री एसेंशियल ऑयल. सो ये भी वी विल गिव दिस अ ट्राई. आई लव एसेंशियल टू ऑयल, एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल मुझे बहुत पसंद है गुड वाइब्स के. They are very affordable and also काफ़ी अच्छा result होता है उनका. I always mix it with you know facial oil वगैरह के साथ मैं mix करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे face पर जलन होती है तो काफ़ी अच्छे से heal कर देता है, बहुत ही calm effect देता है. And obviously खुशबू तो wow, it's so refreshing. Tea tree essential oil लिया है मैंने. Next is the sanitizer which is from Good Vibes, and this is the hand sanitizer. Kills 99.9% germs, contains 70% alcohol. So yes, coronavirus mein obviously sanitizer is essential. तो अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है sanitizer तो आप purple से ले लो भाई, ले लो ले लो, बहुत सारे ले लो. It contains alcohol, तो मैं अभी थोड़ा सा लगा ही लेती हूँ. How does this open? नई चीज़ें खोलना is really tough for me, especially with the knife. Okay. ये मैंने गलत खोला है, मुझे ऐसा लग रहा है. ऐसे खोलूँगी तो सारा गिर जाएगा. Few drops. It smells like alcohol. मैं सूंघ क्यों रही हूँ इसे. Okay. Sanitized. Done. नेक्स्ट प्रोडक्ट है डोंट नो व्हाट इज दिस. ओके ये एल्प्स गुडनेस का है, और ये टैग के वजह से मुझे पता नहीं चल रहा कि ये क्या है. सो आई जस्ट रिमूव इट. अंबा हल्दी टोना, और ये रिड्यूस करता है सीबम. यस सीबम, क्योंकि समर्स में ऑयली स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सीबम की. टी जोन में स्पेशली जो ऑयली हो जाता है उसके लिए पीएच लेवल को ये कंट्रोल करेगा एंड स्किन आपकी साफ हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस वन, एंड लेट्स गिव दिस वन अ ट्राई. नेक्स्ट है यहाँ पे ट्वेंटी फोर के गोल्ड ऑयल. वेल ये गोल्ड ऑयल मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, सो अगेन मैंने ऑर्डर कर दिया है. आपने देखा होगा मेरी काफ़ी मेकअप वीडियोज़ में. ओके तो यहाँ नेक्स्ट दो प्रोडक्ट हैं छोटू से गुड वाइब्स के, ऑरेंज एंड ब्लैक लिप बाम. सो दीज आर क्वाइट अफोर्डेबल, जस्ट फॉर 135 रुपीज. मैंने आपको सबके प्रोडक्ट्स के प्राइस नहीं बताए हैं, बट मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से ग्रीन में. वाओ फ्रूटी स्मेल है इसकी. सो दिस वन इज द ब्लैक एंड द अदर वन इज ऑरेंज. सो ये तो ऑरेंज जैसा ही स्मेल करेगा आई एम श्योर, एंड आई लव ऑरेंज वाले लिप बाम. वाओ ये बहुत अच्छा है. नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे अगेन एन वाई बेस कॉन्फिडेंस शाइनिंग एसिड कॉम स्टार फेस सीरम विद सैलिसिलिक एसिड. सो मैं अगर बताऊँ तो मैं एन वाई बे की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ. मैं सीरम्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, मुझे इनके सीरम्स बहुत अच्छे लगते हैं. स्पेशली जब से मैंने जो हाइलुरोनिक और सैलिसिलिक एसिड वाला ट्राई किया है, तब से मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ इनकी. सो येस अगेन एंड आई एम ऑर्डरिंग सैलिसिलिक सैलिसिलिक सैलिसिलिक. जहाँ भी मुझे सैलिसिलिक दिख रहा है मैं वो सीरम
परचेज कर लेती हूँ. सो ऑब्वियसली सैलिसिलिक बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा सिबम की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल करता है. सो मेरे कंट्रोल होते भी हैं, इस बार बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुए हैं मेरे सिबम प्रॉब्लम. एंड ब्लैक हेड्स को भी ये रिड्यूस करता है, पोर्स को भी ये कवर अप करता है, डीप क्लेंस कर देता है. सो अगेन मैंने ये परचेस किया है, बट दिस वन इज डिफरेंट. जो मैं अपनी पहली वीडियोज में यूज करती हूँ वो था हाइलुरोनिक के साथ. ये वाला जो है ये जस्ट वीडियो जो मैंने शूट किया वो अच्छे से शूट नहीं हो पाया. सो बाकी की जो क्लिप्स थी वो शूट ही नहीं हो पाई. सो तो मैं आपको इसके बारे में बता रही थी. आपने देखा होगा मैंने काफ़ी सिरम यूज़ किए हैं NYBay के, तो वो था हाइलुरोनिक एसिड के साथ और उसमें सैलिसिलिक एसिड भी इंक्लूड था जैसे कि इसमें है. बट इसमें क्या है, इसमें जस्ट सैलिसिलिक एसिड है. तो ये प्रोडक्ट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी वीडियो में ट्राई करके, एंड ऑल्सो उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी. एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, आप इसे परचेस कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑयली स्किन. ओके सो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट्स. मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, मैंने पहले भी यूज़ किया है. सो आई थॉट कि मैं एक और बार परचेस कर लूँ. तो ये है गुड वाइब्स के स्ट्रॉबेरी कैंडी एंड पपाया कैंडीज़. तो ये तो मैंने ऑलरेडी खोला हुआ ही है, आप देख सकते हैं खा लिया था मैंने ये. तो दिस एक्चुअली व्हाट इट डज, ये ड्राइड एंड प्रोसेस्ड टेस्ट बड्स हैं. इसमें आपको स्ट्रॉबेरी मिलेंगे जो ड्राइड होंगे, सुखाए हुए ड्राइड स्ट्रॉबेरीज. तो आप इसे योगर्ट में डाल के भी खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये हेल्थ के लिए. ऑल्सो मैं आपको इसके अंदर दिखा देती हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरह से होते हैं और इसे आप खा सकते हैं. आप इसे योगर्ट में डाल के खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं. इट्स वेरी टेस्टी, ऑल्सो इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ. एक अभी मैं खा लेती हूँ. तो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये पपाया कैंडी. ये मैंने खोला नहीं है बट बोथ दीज, ये दोनों ही फ्लेवर्स मुझे बहुत पसंद है. सो इसलिए आई ऑर्डर्ड इट अगेन. यू गाइज कैन ट्राई दिस वन. तो दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे ये लास्ट प्रोडक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. दिस इज व्यायाम आयुर्वेदा का त्वचा अविरूपम स्किन डिटॉक्स पैक. ये है कॉन्कॉक्टेड विथ नीम लीफ पाउडर एंड शिकाकाई पाउडर. मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ. मैंने ये फर्स्ट टाइम परचेस किया है, आई हैव नो आइडिया कि ये कैसा होगा. सो इट्स अ डिटॉक्स पैक, सो इट विल डिटॉक्सिफाई योर स्किन. ओके तो ये कुछ इस तरह से जार में आता है, ये देखिए. और ये आपको ऐसे मिलेगा, वाओ. इसके साथ एक कितना प्यारा सा स्पून भी है, वुडन में है ये. तो आप इसकी हेल्प से स्कूप निकाल के आप इसे लगा सकते हैं अपने फेस पे. सो ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ये वाला डिटॉक्स फेस पैक. अगर आप चाहते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड दिस इज़ रियली क्यूट. सो बस आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों. आई होप आपको आज का हॉल वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगे और आप कौन से प्रोडक्ट परचेस ज़रूर करेंगे. लिंक्स आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अगेन.